वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट का 2018 का पास्ट ईयर पेपर। हम स्टैटिक जीके का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। तो इनमें से कौन एक हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि जो थायलेसीमिया है, ठीक है, हीमोफीलिया है, ये दोनों ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डिजीजेस है, और ये दोनों ही हेरिडिटरी है इन नेचर। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी हेरिडिटरी या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक होता है, लेकिन ल्यूकीमिया जो है ये जेनेटिक हो सकता है लेकिन ये हेरिडिटरी नहीं होता, ठीक है। सो ये बायोलॉजिकली आपको मदर या फादर से ट्रांसमिट नहीं हो सकता। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ल्यूकीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कि अमालगमेशन के लिए यूज होता है? सो अमालगमेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है और इसमें जो मेटल यूज होता है वो है मरकरी। तो मरकरी को इन बाकी के मेटल्स के साथ हम अलॉय करते हैं, मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, लेड या एल्यूमिनियम, और उससे हम एक नया मेटल फॉर्म करते हैं। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है अमालगमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसिड है जिसके डिपोजिशन की वजह से जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है, और उससे आपको अर्थराइटिस हो सकता है? तो इस एसिड का नाम है यूरिक एसिड, ठीक है। सो ये जो एसिड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम एक लिस्ट देख लेते हैं। जो सिट्रिक एसिड होता है ये आपको ऑरेंज जूस में मिलेगा, ठीक है, लाइम जूस या लेमन जूस, तो ये सब सोर्सेज हैं जहां पे आपको ये एसिड मिल सकता है। तो जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में मिलता है, जो सैलिसिलिक एसिड है वो एस्पिरिन में मिलता है, जो लैक्टिक एसिड होता है ये बेसिकली आपको मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल योगर्ट हुआ, उसमें मिलेगा। फॉस्फोरिक एसिड आपको कोका कोला में, सल्फ्यूरिक एसिड टॉयलेट बोल क्लीनर में, म्यूरियाटिक एसिड है, देन मैलिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड है जो कि वाइन में मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और यूरिक एसिड है जो कि ऑफकोर्स यूरिन में मिलेगा, लेकिन यूरिक एसिड से आपको क्या हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, और आपके जॉइंट्स में काफी ज्यादा पेन रह सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, ठीक है। कभी भी अगर हम एसिड्स पढ़ें तो हमें उनके सोर्सेस पता होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज सोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनकी वजह से कुछ ह्यूमन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उन पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राइस है, ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ ग्रेन, इसके एडिबल पार्ट कौन से होते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जो फ्रूट है या जो सॉटिलिडन है जो कि इसका सीड होता है, और जो एम्ब्रियो है वो एडिबल पार्ट्स नहीं होते हैं, पर जो एंडोस्पर्म है वो राइस का या ग्रेन का एक एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। सो एंडोस्पर्म जो है वो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम विंडोज एक्सपी की बात करते हैं तो इस विंडोज एक्सपी में ये एक्सपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये स्टैंड करता है एक्सपीरियंस, ठीक है, ई से एक्स और पी से एक्सपीरियंस, तो ये पूरा बनाता है आपका एक्सपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है, स्पेशली जो आपके पोलर रीजन्स हैं वहां और जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहां, ठीक है, तो वहां पर जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो सॉल्ट स्प्रिंकल करती हैं ऑन द आइसी रोड्स इन विंटर। तो इसका जो करेक्ट रीजन है वो क्या है, सॉल्ट से ऐसा क्या होता है? सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉल्ट जो है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कम कर देती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। सो ऑफ कोर्स अगर सॉल्ट से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता तो वो क्यों स्प्रिंकल करते, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का जो नाम है, जिनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन, इनको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं?
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जॉन डाल्टन है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है केमिस्ट्री में, जिसे हम कहते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनका पर्टिकुलर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, एक ऐसा आप मान लीजिए एक ऐसा यूनिट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए एटम को हम कभी कभी कहते हैं, एटम को हम वैसे नॉर्मली कहते हैं इट इज एन इनडिविजिबल यूनिट। ठीक है, तो ये आप फर्दर पढ़ सकते हैं कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट किया है एटम्स के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक गोल्ड रिंग है और वो 50% प्योर है, तो उसकी प्योरिटी हम कैरेट्स में कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड जो है कैरेट उसका एक यूनिट होता है, उसी में हम गोल्ड को मेजर करते हैं। तो अगर कोई गोल्ड है और वो प्योर है, मतलब अगर वो 100% प्योर है, तो उसकी प्योरिटी होगी 24 कैरेट। ठीक है, अगर यहीं पर हम गोल्ड रिंग का एग्जाम्पल लें और अगर वो 50% प्योर है, तो उसकी जो प्योरिटी है वो होगी ऑफ कोर्स 12 कैरेट्स की, जस्ट हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 12 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? तो अभी अभी हमने एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट देखा है, जो कि दो थे, एक था आपका प्रोपेन और दूसरा था ब्यूटेन। इसी तरह से जो बायोगैस है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेला पास है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो पहले मैं आपको स्टेट बता देती हूँ, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पासेस डिस्कस करेंगे। ये जो सेला पास है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, और आप इस मैप में भी देख सकते हैं ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं इंडिया के। ठीक है, एक पास बेसिकली होता क्या है, दो माउंटेन रेंजेस के अगर बीच में कोई ऐसा नैरो पाथ है जिसकी वजह से आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन करने के काम आ रहा है वो रोड या फिर वो नैरो जगह, तो उसे हम कहते हैं पास। तो आप देखेंगे ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ सब जगह आपको माउंटेन्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ तो ऑफकोर्स हमारे हिमालयस है ही, और यहाँ पर आपको मिलेंगे अरावलीस। ठीक है, अब जो पासेज हैं, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेज आर जैसे काराकोरम पास हुआ, या फिर रोहतांग पास हुआ, शिपकीला पास हुआ, ठीक है, लीपू लेक पास हुआ उत्तराखंड का, नाथूला एंड जलपला ये सिक्किम के इंपॉर्टेंट पासेस हैं, देन बुमला, बोमडिला, दिहांग, दीफू, और यहीं पर कहीं आपका लोकेटेड है सेला पास। ये सब अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पासेस हैं। देन साउथ इंडिया में जैसे ताल घाट, बोर घाट, ये आपके महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है, और पाल घाट ये आपका केरला का इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो हमें याद रखने हैं, ये भी एक क्वेश्चन की तरह पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व बोधिनी सभा जो है ये किसने एस्टैब्लिश की? जो तत्व बोधिनी सभा है ये एस्टैब्लिश की है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राजा राममोहन रॉय जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया है ब्राह्मो समाज, ठीक है, और कब एस्टैब्लिश किया है? 1828 में किया है। ये जो ब्राह्मो समाज है ये फर्दर आगे जाके दो पार्ट्स में बाइफकेट हो जाता है। एक बनता है आपका आदि ब्राह्मो समाज, ठीक है, और एक सिंपली आपका यही ब्राह्मो समाज रहता है। फिर फर्दर ये एक और पार्ट में बाइफकेट हो जाता है, एक को हम कहते हैं साधारण ब्राह्मो समाज, ठीक है, और एक फर्दर ब्राह्मो समाज के नाम से ही जाना जाता है। तो
तो ये फर्दर ब्रह्मो समाज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो केशव चंद्र सेन जो है ये आपके एसोसिएट किए जाते हैं साधारण ब्रह्मो समाज के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये हायरार्की देखी थी। देन रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनकी एक काफी इंपॉर्टेंट किताब है, आपको नाम पता ही होगा, गीतांजलि, जिनके लिए इनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये किसने इनिशिएट किया। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये इनिशिएट किया है हेनरी विवियन डेरोजियो ने। और मैं आपको बता दूं कि हेनरी विवियन डेरोजियो जो है ये आगे जाके राजा राम मोहन रॉय की काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। और काफी सारे सोशल इवेल्स के अगेंस्ट इन दोनों ने लड़ाई की है। और राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया में एक ईवल प्रैक्टिस थी सती की, वो इन्होंने अबॉलिश भी करवाई है। जो एच पी ब्लावेट्स्की है इनको हम एसोसिएट करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो इन्होंने एस्टैब्लिश की है थियोसोफिकल सोसाइटी। उसी तरफ विलियम जोन्स जो है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई है, ठीक है। और एओ यूम जो है इन्होंने, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन यूम, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया 1885 में, जो कि इंडिया की अभी वन ऑफ द नेशनल पार्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पैर इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जो है इनके एक गुरु थे जिनका नाम है रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने मिशन स्टार्ट किया था, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, तो ये करेक्ट है। देन ज्योतिबा फूले जो है ये इन्होंने बनाया सत्यशोधक समाज, ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और ये इन्होंने बनाया था जो हमारे लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है उनको अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया। देन आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने प्रार्थना समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज नहीं बनाया, ठीक है, बिकॉज आदि ब्रह्मो समाज जो है उसके साथ हम एसोसिएट करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर को, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है फिर इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया है, इन्होंने एस्टैब्लिश की है आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। और इन्होंने कब एस्टैब्लिश की है, 2 जून 1905 को पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसको लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स नहीं किया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सबसे पहले ये समझें कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये एक्चुअली में है क्या। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो ये कहता है कि अगर कोई भी किंगडम है, ठीक है, और उसका अगर कोई नेचुरल हेयर नहीं है तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली जो ब्रिटेन है, जो भी ब्रिटेन के गवर्नर जनरल इंडिया में उस टाइम रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस टाइम लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने कि ये डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया था, तो वो इस डीओएल के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, इस पर्टिकुलर किंगडम को एनेक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सतारा, सांबलपुर और जैतपुर, इन तीनों को एनेक्स किया गया था, लेकिन जूनागढ़ को एनेक्स नहीं किया गया। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका जूनागढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका मूवमेंट जो है ये कहां पर इनिशिएट की गई। सो कूका मूवमेंट जो है ये पंजाब की मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट आपकी पंजाब में स्टार्ट हुई है, कौन से ईयर में, 1872 में। और इसके साथ हम दो नाम को एसोसिएट करते हैं, एक है आपके बाबा बालक सिंह, ठीक है,
और दूसरे हैं आपके भगत जवर लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? तो आपको यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो उनके फाउंडिंग फादर से, जिन्होंने भी फाउंड किया, करेक्टली मैच नहीं होता है। सो जो बंगाल गैजेट है, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि इनकरेक्ट है एक्चुअली, वो है द हिंदू। सो द हिंदू जो है, इसका फाउंडेशन दादा भाई नारोजी ने नहीं किया था। ठीक है, इसके फाउंडर हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, देन बंगाल गैजेट जो है, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की ही इसके फाउंडर हैं। बंग दर्शन के फाउंडर हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, और बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स रहे हैं। एक का नाम है केसरी और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का नाम है मराठा। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो सबसे पहले करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो फोर्थ कांग्रेस का कन्वेंशन है अलाहाबाद में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया है जॉर्ज यूल ने, जबकि फर्स्ट कांग्रेस का जो कन्वेंशन है वो बॉम्बे में हुआ था और उसे प्रिसाइड किया था डब्ल्यू सी बैनर्जी ने। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। सेकेंड कांग्रेस कन्वेंशन मद्रास में नहीं, कलकत्ता में हुआ था और इसे प्रिसाइड किया है दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, थर्ड कांग्रेस का जो कन्वेंशन है वो नागपुर में नहीं हुआ है, वो मद्रास में हुआ है। ठीक है, और इसे प्रिसाइड किया था बबरुद्दीन तैयब जी ने। अब आप इसी इन्हीं ऑप्शंस में देखेंगे कि जो बबरुद्दीन तैयब जी हैं, वो पहले मुस्लिम थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। जॉर्ज यूल जो है, ये पहले इंग्लिश थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये सबसे पहले हुआ है 1906 में। मुस्लिम लीग भी 1906 में ही फॉर्म हुई, लेकिन इस इवेंट के बाद फॉर्म हुई। सूरत सेशन जो है ये 1907 में हुआ, जिसके बाद में सूरत स्प्लिट, ये इवेंट काफी पॉपुलर है बिकॉज सूरत सेशन में सूरत स्प्लिट हुआ था। जो अब की इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई, एक फैक्शन का नाम था मॉडरेट और दूसरे फैक्शन का नाम था एक्सट्रीमिस्ट। और ये जो मेन इशू था इसका, दैट वॉज फॉर प्रेसिडेंटशिप। सो मॉडरेट्स चाहते थे कि उनके यहाँ से कोई आईएनसी का प्रेसिडेंट बने, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनके ग्रुप से ही कोई आईएनसी का प्रेसिडेंट बने। और एंड में जो मॉडरेट्स हैं, यानी कि दादा भाई नारोजी जो है एक मॉडरेट, उनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, और सूरत का जो है स्प्लिट हो गया था। देन हम देखेंगे जो कांग्रेस लीग पैक्ट है वो 1916 में साइन होता है। ठीक है, सो इसके थ्रू जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है वो एक साथ में आ जाती है। ठीक है, एंड सूरत स्प्लिट जो है, मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेसिडेंटशिप को लेके इशू था, तो मॉडरेट से जो है आपके कैंडिडेटों के लिए थे रास बिहारी घोष। सो इट वॉज नॉट दादा भाई नारोजी, रास बिहारी घोष, और एक्सट्रीमिस्ट से थे आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं, जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसी तरह से जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, ये जो 1909 का एक्ट है, इससे इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस हुई है, जिसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। हालांकि ये अभी प्रेवलेंट नहीं है, पर पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लाया गया था। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, सपोज अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है,
तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने वाले भी मुस्लिम होंगे और जो ऑफ कोर्स इलेक्ट होंगे वो भी आपके मुस्लिम्स ही होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है, इससे आपका आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ है, एक रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ है, देन जो आपकी एक फेडरल जुडिशरी है वो आपकी 1935 से एस्टैब्लिश हुई थी, इसके थ्रू बाइकैमरल हाउसेस बनाए गए थे, ठीक है। देन जो 1919 का एक्ट है, इससे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम कहते हैं डायार्की। तो डायार्की से जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं एट द स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल, वो डिवाइड कर दिए थे इनटू रिजर्व्ड लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायार्की। डाय का मतलब ही होता है टू, तो दो लिस्ट में हमने डिवाइड कर दिया था सब्जेक्ट्स को। देन इसी से हमने पहली बार फेडरलिज्म अडॉप्ट किया है इंडिया में, ठीक है। सो हमने फेडरलिज्म अडॉप्ट किया है इंडिया में, तो जो पहली बार बाइकैमरलिज्म किया गया था वो हमने फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू ही किया था। और 1892 का एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी वजह से पहली बार इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो हमारे नेशनल एम्बलम में भी आपको दिखेगा, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सो ये मंडका उपनिषद जो है या फिर मुंडका उपनिषद, वहां से हमने सत्यमेव जयते का ये मेन वर्ड लिया है हमारे नेशनल एम्बलम में, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऑथर ने लिखा है की नोट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जानना है। करेक्ट आंसर इज टू, जे आर डी टाटा जो है, ठीक है, इन्होंने लिखी है बुक की नोट, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू जो है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने भी एक काफी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और सेकेंड इंपॉर्टेंट इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देन अरुंधति रॉय जो है, इन्होंने लिखी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। सो जो अर्थ को लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है फ्रॉम द सन, आई होप यू नो दैट इट इज सोलर एनर्जी। एंड ये जो सोलर एनर्जी है ये तीन तरह से मिलती है, वन इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेज, दूसरा है इंफ्रारेड रेज, और तीसरा होता है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो इंफ्रारेड और विजिबल स्पेक्ट्रम है ये दोनों अर्थ तक पहुंचते हैं लेकिन यूवी रेज अर्थ तक नहीं पहुंचती है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है ओजोन। तो आपको पता होगा कि हमारी कुछ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है इसमें एक इंपॉर्टेंट गैस होती है जिसे हम कहते हैं ओजोन, ठीक है, और यहां पर होती है ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है इसकी वजह से अर्थ तक कभी भी ये जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये कभी भी अर्थ तक नहीं पहुंचती हैं, और इसी कारण से यूवी रेज अर्थ तक नहीं आती। अगर यूवी रेज अर्थ तक आ जाए तो उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है, सो इट्स वेरी हार्मफुल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंफ्रारेड रेज एंड हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो आपसे सिटीज पूछी है जहां पे WTO के हेडक्वार्टर्स हैं। अब एक्चुअली में पहले देखते हैं कि WTO है क्या। सो WTO जो है इसके हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देन ये जो WTO है ये एस्टैब्लिश हुआ है 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसका जो प्रेडिसेसर है वो है GATT, ठीक है। अब GATT क्या है,
गैट का पूरा नाम है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। सो ये जो गैट है ये एक तरह से प्रेडिसेसर है आपके डब्ल्यूटीओ का। देन एक पर्टिकुलर राउंड हुए थे, या आप कह सकते हैं एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है यूरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस 1986 से 1994 के बीच में, जिसके थ्रू डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें करंटली 162 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। सो करंटली 162 मेंबर कंट्रीज हैं। डायरेक्टर जनरल का नाम है रॉबर्टो एजीवीडो, ठीक है। बजट एंड सेक्रेटेरियल स्टाफ जो है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार देख सकते हैं अगर चाहे तो। इंपॉर्टेंट इज लोकेशन, कब एस्टैब्लिश हुआ, किसकी वजह से हुआ और इसके हेड कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कमिटी है जिसने की रैगिंग पे कर्ब लगाने की बात की है। तो इस कमिटी का नाम है आर के राघवन कमिटी, और ये कमिटी सेटअप की थी आपके यूजीसी ने, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये कमिटी सेटअप की है। इन सारी कमिटीज में से वाई के सब्रवाल कमिटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाई के सब्रवाल जो है ये इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सी लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जिसके चेयरपर्सन थे, आपको उनका नाम भी बताना है, और उन्होंने कौन से सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज किया है वो भी बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 20th लॉ कमीशन थी, ठीक है, और उसके चेयरपर्सन थे जस्टिस एम पी शाह, और उन्होंने सेक्शन 307 को डीक्रिमिनलाइज किया है, ठीक है। और जो सेक्शन 307 है दैट रिलेट्स टू अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। तो सेक्शन 307 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कमीशन है जो कि लैंग्वेज के बेस पे जिसने स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया। तो इस कमीशन का नाम है फैजल अली कमीशन, और ये कमीशन 1953 में सेटअप की गई थी। ये कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन किया है, और इसके दो चेयरपर्सन थे, एक का नाम है के एम पानीकर और दूसरे थे एच एन कुंजरू, ठीक है। इसके अलावा धर्मवीर कमीशन जैसी कोई इंपॉर्टेंट कमीशन नहीं है। अशोक मेहता कमीशन जो है ये आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जो 1977 में बनाई गई थी। जो संतनम कमीशन है ये आपकी 1964 में बनाई गई थी करप्शन के साथ में डील करने के लिए। इसी संतनम कमिटी की वजह से सीवीसी करके एक बॉडी भी एस्टैब्लिश हुई जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एशियन लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब आप यहां पे देखें, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्पैनिश, रशियन, देन फ्रेंच, अरेबिक, इंग्लिश एंड चाइनीज। सो ये जितनी भी हैं ये सारी आपकी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसमें से एशियन लैंग्वेजेस कौन सी है, एक है रशियन, ठीक है, और दूसरी है चाइनीज, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आप देखेंगे, हिंदी इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, तो यहाँ पर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, इवन अरबिक जो है ये भी एशिया में बोली जाती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाइनीज एंड अरबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फर्स्ट वुमेन जज रही है ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि एक जुडिशियल ऑर्गन है आपके यूएनओ का। आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कुछ 15 जजेस होते हैं और वो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सो पहली जो वुमेन जज रही है उनका नाम है डेम रोजेल हिगिन्स, ठीक है। यहाँ पर जो फातिमा बीवी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया की पहली वुमेन जज रही है
इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। ठीक है, सो यहां पर जो आपका इनकरेक्ट मैच है वो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर वन इज इनकरेक्ट, बिकॉज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल नहीं, तुषार मेहता है। ठीक है, जबकि के वेणुगोपाल जो है ये इंडिया के क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। देन रविशंकर प्रसाद इंडिया के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। यहां पर एच एल दत्तू जो है ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके चेयरपर्सन रहे हैं। दीपक मिश्रा इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो पहली चीज, इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन है जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 324। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में एक सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बिकॉज इसमें तीन मेंबर्स हैं, और सिंस 1993 इलेक्शन कमीशन में तीन मेंबर्स होते हैं। अब यहां पे आपसे नाम पूछा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो करेक्ट आंसर है सुनील अरोड़ा, और जो बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका नाम है अशोक लवासा और दूसरे हैं आपके सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द टेस्ट ऑफ क्रीमी लेयर। ठीक है, सो क्रीमी लेयर से यहां पर मतलब है कि जो वेल ऑफ सेक्शंस होते हैं हमारी सोसाइटी के, सो लोअर कास्ट में भी जो आपके वेल ऑफ सेक्शंस हैं उनको हम कहते हैं क्रीमी लेयर। ठीक है, सो क्रीमी लेयर इन द रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो मैं आपको बता दूं कि जो एससीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं इन दोनों में ही आपकी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एससीज और एसटीज में जो वेल ऑफ सेक्शंस भी हैं, मतलब जो रिच भी हैं और जो पुअर भी हैं, जिनकी गवर्नमेंट पोस्ट पर भी हैं, ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा पुअर हैं, बहुत ज्यादा डाउन ट्रोडन हैं, उन दोनों को हमने क्या दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक ओबीसी कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं इनटू क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। सो ओबीसीज जो है हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें सिर्फ जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए रिजर्वेशन है, क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, और ये जितने भी जजमेंट्स है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका केस आता है इंदिरा सहानी का केस। ठीक है, बिकॉज ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, यही वो केस है जिसने कहा था कि 50% रिजर्वेशन ही दे सकती है गवर्नमेंट, इससे ज्यादा रिजर्वेशन कभी भी एक्सीड नहीं होगा। रिजर्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कमीशन इंडिया में बनाई गई है जिसका नाम है मंडल कमीशन, जो कि 1989 में बनाई गई थी। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सो ये जो SEBC है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको रिजर्वेशन देने के लिए बनाई गई थी मंडल कमीशन, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शेड्यूल 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे लॉज डाले गए हैं, ठीक है, जो कि इम्यून है। ठीक है, इम्यून किससे है कि अगर आप इन लॉज को वायलेट कर देते हैं, अगर आप इन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर ये लॉज किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, इंपैक्ट करने से मतलब है वायलेट कर रहे हैं, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। सो ऐसे लॉज को गवर्नमेंट क्या करती है, वो शेड्यूल 9 में डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड लेजिस्लेशंस, गवर्नमेंट ने ये सारे रिफॉर्म्स शेड्यूल 9 में डाले हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। सो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू लेजिस्लेशंस लिस्टेड इन इट, बट नाउ दे आर लायबल टू जुडिशियल रिव्यू।
तो सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे वर्डिक्ट्स आए हैं जिनके बाद में ये डिसाइड हुआ है अब कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि आर्टिकल 14 एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है, अगर ये राइट्स वायलेट करता है आपके शेड्यूल 9, ठीक है, तो शेड्यूल 9 में जो भी आपके लॉज लिखे हैं अगर वो वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 14 और 19 को तो उन पे जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर्स हाउ मच मेजोरिटी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 368 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग तीन तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। एक होता है आपका सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, दूसरी होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, एक ऐसी मेजोरिटी जिसमें 2/3 मेंबर्स अगर हां कर देते हैं तो वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास हो जाएगा, और तीसरी होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसेंट। तो अगर आपकी स्पेशल मेजोरिटी भी है और अगर आपके हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स अग्री करते हैं तब वो अमेंडमेंट होगा। तो ऐसा लिखा है आपके आर्टिकल 368 में। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर मुझे कोई भी नया स्टेट क्रिएट करना है तो उसमें किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए होगी। अगर न्यू स्टेट्स क्रिएट करने होते हैं तो उसमें आपको चाहिए मेजोरिटी ऑफ सिंपल, ठीक है, सो आपको यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जब भी आप वर्ड प्रोविजनल देखें तो उससे मतलब होगा टेम्पररी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि टेम्पररी बेसिस पर किसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरपर्सन बनाया, तो उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछें कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तब आपका आंसर होगा बी आर आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंसेप्ट है ज्वाइंट सिटिंग का, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी लोकसभा या फिर राज्यसभा में एक तरह का डेडलॉक बन जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, एक ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है एज पर आर्टिकल 108, ठीक है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या अडॉप्ट किया है। सो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फॉर एग्जाम्पल फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, एमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डीपीएसपी, कैनेडा से हमने लिया है रेसिड्यूरी पावर्स, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन, वीमर जो है ये रिपब्लिक है जर्मनी का रहा है, यहां से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो एमरजेंसी प्रोविजंस तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं, लेकिन ये जो सस्पेंशन करने का प्रोविजन है हमने जर्मनी से लिया है। देन जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने लिए है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट से आया। सो एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से पास हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो डिफेक्शन का कंसेप्ट है इससे रिलेटेड एक काफी पॉपुलर स्लोगन है जिसका नाम है आया राम गया राम, ठीक है।
आया राम गया राम जो है, आपको पता होगा कि हरियाणा में एक एमएलए रहे हैं जिनका नाम था गया लाल, ठीक है। और इन्होंने एक ही दिन में, ठीक है, अपनी पार्टी एटलीस्ट 3 बार चेंज की है। तो पहले ये गए बीजेपी से कांग्रेस, फिर वापस कांग्रेस से बीजेपी, एंड अगेन फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस। तब ये स्लोगन काफी पॉपुलर हुआ, आया राम गया राम, ठीक है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है दर्शाता है डिफेक्शन के कंसेप्ट को, ठीक है। ये जो डिफेक्शन का पूरा लॉ है ये बनाया गया, एक एंटी डिफेक्शन लॉ फ्रेम किया गया, ताकि ये जितने भी हमारे एमएलएज और एमपीज हैं, ये जो अपनी पार्टीज ऐसे स्विच करते रहते हैं, ठीक है, ये ना करें। तो इसीलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1985 में, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो 42nd अमेंडमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये आया था 1976 में। जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे 4 लैंग्वेजेस हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई थी। पहली बोडो, सेकेंड थी डोगरी, थर्ड है आपकी मैथिली, और फोर है संथली। तो जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस का नंबर है वो हो गया था 22, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसने हमारे SEBC, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था, ठीक है। जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उससे आर्टिकल 15 में आपका एक क्लॉज 5 ऐड किया गया। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।